व्यवसाय प्रशासन विभाग में अयोग्य अतिथि शिक्षकों को नियुक्ति न देने के संदर्भ में ज्ञापन दिया। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर वाणिज्य संकाय के विभिन्न अतिथि शिक्षकों ने कुलपति कार्यालय में व्यवसाय प्रशासन विभाग में अयोग्य अतिथि शिक्षकों को नियुक्ति न देने के संदर्भ में ज्ञापन दिया। अतिथि शिक्षकों का कहना है कि वाणिज्य एवं प्रबंध संकाय की व्यवसाय प्रशासन विभाग एवं व्यावसायिक एवं अर्थशास्त्र विभाग में MBA डिग्री धारकों को भी नियुक्ति प्रदान की जाती है। RPSC द्वारा आयोजित सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा में MBA डिग्री धारकों को व्यावसायिक प्रशासन एवं व्यावसायिक वित्त एवं अर्थशास्त्र विभाग में विषमित नहीं की गई। राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेशों की पालना करते हुए किसी भी MBA डिग्री धारक को UGC नेट मैनेजमेंट रखी है, उन्हें नियुक्ति नहीं प्रदान की गई। विश्वविद्यालय के अतिथि सहायक आचार्यों ने ज्ञापन में बताया कि वर्तमान में वाणिज्य एवं प्रबंध समय पे अतिथि सिडाको की निश्चित प्रक्रिया चल रही है। उसमें MBA एवं मैनेजमेंट में NET उत्तीर्ण डिग्री धारकों को व्यवसाय प्रशासक विभाग एवं व्यवसायिक वित्त एवं अर्थशास्त्र विभाग में शामिल न किया जाए। अभ्यर्थियों का कहना है अतिथि शिक्षक ने जिस विभाग में PG की सब डिग्री रखी है उसमें ही नियुक्ति प्रदान की जाए एवं न्यायालय के आदेशों का पालन किया जाए। व्यास में कुलपति महोदय जी के कार्यालय में एक ज्ञापन देने के लिए आए हैं, जिसमें हमारा विषय है कि विश्वविद्यालय के अंदर जो अतिथि शिक्षक लगाए जाते हैं उसमें जो MBA वाले कैंडिडेट होते हैं उनको भी MCOM बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन विभाग के अंदर नियुक्ति दे दी जाती है, अपॉइंटमेंट दे दिया जाता है। जबकि RPSC की जो पिछली भर्ती हुई थी उसमें MBA वालों को इसमें क्वालिफाइड नहीं माना गया था, बिजनेस एड में वो क्लासेस नहीं ले सकते थे। लेकिन विश्वविद्यालय में पिछले कई वर्षों से इस तरह के जो MBA के व्यक्ति हैं उनको भी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में लिया जा रहा है। तो हमारा कुलपति जी से हम निवेदन करना आए हैं कि ऐसा राजस्थान उच्च न्यायालय से एक डिसीजन आया हुआ है कि MBA वालों को बिजनेस एड में और BFE और अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में इंक्लूड नहीं किया जाए, उसके संदर्भ में अति शीघ्र कुलपति महोदय जी के द्वारा एक नोटिफिकेशन निकाला जाए या कमेटी बना के इस पर तुरंत निर्णय लिया जाए। जयनारायण व्यास, कॉमर्स फैकल्टी, जोधपुर।